ज्योतिष की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब शनि मेष राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि शनि जब मेष राशि में स्थित हो तो कैसे परिणाम देता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि क्या है, किन किन चीज़ों को वो दिखाता है, संबोधित करता है। शनि जो है ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही धीमी चाल वाला ग्रह है। सबसे धीमी चाल वाला ग्रह अगर है तो शनि है, और ये लगभग 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है। पर ये अगर बात करें कि कौन से गुण हैं जिनको ये नियंत्रित करता है, कौन से क्षेत्र हैं जिनको नियंत्रित करता है, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है, वो है वास्तविकता, कठोर वास्तविकता, सर्वाधिक वास्तविकता का जो ग्रह है वो है शनि। परिपक्वता का ग्रह शनि माना जाता है। तो क्रूड प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी एंड मैच्योरिटी, शनि जो है कर्म कारक ग्रह है, कर्म का जो है एक तरीके से नियंत्रण करने वाला जो ग्रह है वो शनि है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है कि शनि की महत्ता ज्योतिष शास्त्र में क्या है, क्यों वो महत्वपूर्ण ग्रह है, उसमें बहुत ही विस्तार से बात की गई है कि शनि किन किन कारणों की वजह से महत्वपूर्ण बनता है, कौन से क्षेत्रों का कारक ग्रह बनता है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ही विस्तार से उसमें समझाया गया। उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसको देखने के बाद ही आप जो है आज हम जिन चीज़ों की बात करेंगे और आने वाले वीडियोस में भी जब शनि की अन्य राशियों में क्या क्या परिणाम रह पाते हैं उनके बारे में जो चर्चा करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप से अगर बात करी जाए तो शनि जो है, जैसा कि बात करी, सर्वाधिक वास्तविकता और कर्म का कारक ग्रह है, धर्म और न्याय को संबोधित करता है, व्यवस्था को, कानून के पालन को। तो कानून बनाने वाला ग्रह शनि नहीं है, कानून के पालन करने वाला शनि ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त शनि जो है नियंत्रण का ग्रह है, व्यवस्था का ग्रह है, अनुशासन का ग्रह है, हमारे एक तरीके से धैर्य को नियंत्रित करता है, क्योंकि धीमी चाल वाला ग्रह है तो व्यक्ति के भीतर का जो धैर्य है, अनुशासन है, व्यवस्था है, कठोर परिश्रम है, संघर्ष है, इनको नियंत्रित करता है, दिखाता है। जो भी एक तरीके से किसी भी प्रकार का विलंब हो किसी भी चीज़ में हो या व्यक्ति के भीतर खुद पर खुद एक विलंब की एक गुण यानी कि आलस के रूप में अगर दिखाई पड़े तो वो भी शनि की वजह से देखा जा सकता है। हमारी सीमाओं को दिखाता है शनि, हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, असफलताएं हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा असफलता ही देगा शनि, ऐसा नहीं है, पर असफलताओं का कारक ग्रह शनि बनता है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का जो है कारक ग्रह, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में परिवर्तन हो, चेंज का जो है शनि कारक बनता है राहु के अतिरिक्त। इसके अलावा शनि जो है वैराग्य का कारक ग्रह है, यानी डिटैचमेंट जिसको बात करी जाए, आपके अधीन जो लोग कार्य करते हैं, जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या कोई नौकर चाकर हैं, वो भी शनि से देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनि दुख का कारक ग्रह है, सौरोज, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात की गई उस वीडियो में, ज़्यादा देखें समझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शनि सीधे तौर पर नियंत्रित करता है, वो है विज्ञान का क्षेत्र, प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत आती है, किसी भी प्रकार का उद्योग है, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, भारी उद्योग हो, सब इसके अंतर्गत आएंगे। कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट का यानी अवसंरचना का जो पूरा क्षेत्र है वो शनि के अंतर्गत आता है। तेल और गैस को नियंत्रित करता है, आयरन है यानी लोहा है, स्टील है, किसी भी प्रकार की शोध को शनि दिखाता है, रिसर्च को, क्योंकि बहुत ही धीमी चाल वाला ग्रह है तो रिसर्च किसी भी प्रकार की हो बहुत वक्त लेती है, इस वजह से शनि इसका कारक ग्रह बनता है। और शनि जो है कर्जों को दिखाता है, लोन्स को, किसी भी प्रकार के उधारी जिसको कहा जाए। शनि जो है क्योंकि वैराग्य का कारक ग्रह बनता है, इस वजह से ये डिप्रेशन है या एक तरीके से पेसिमिज्म है उसको भी ये नियंत्रित करता है। असाध्य रोगों को दिखाता है, किसी भी प्रकार के इनक्यूरेबल डिजीजेस, भले ही वो क्षति पहुंचाने में उतने हानिकारक ना भी हों, पर फिर भी उनका कोई इलाज ना हो, ऐसे रोगों को शनि दिखाता है। हड्डियों को नियंत्रित करता है शरीर में, हमारे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से शनि के हाथ में जाता है। दांत हैं, हड्डियां हैं और पैर हैं, शनि के हाथ में जाते हैं। वात को ये पूरी तरीके से शरीर में कंट्रोल करता है। तो ये शनि है।
और ये वो चीज़ें हैं जिनको ये सीधे तौर पर संबोधित करता है ज्योतिष में। अब बात करते हैं कि मेष राशि क्या है। मेष राशि जो है वो पहले भाव की मूल राशि है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार मंगल इसका स्वामी ग्रह बनता है और ये एक अग्नि तत्व की राशि है। ये तीन अग्नि तत्व की राशियां हैं टोटल, एक मेष है, एक सिंह है और एक धनु है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा और अग्नि सबसे ज़्यादा जिसमें पाई जाती है वो है मेष। पर सबसे एक नकारात्मक पक्ष इसका यह है कि ये पूरी तरीके से, ये ऊर्जा और अग्नि पूरी तरीके से असंतुलित होती है, यानी कि अनस्टेबल और अनबैलेंस्ड एनर्जी, तो असंतुलित होती है पूरी तरीके से। इसके पास एक दिशा नहीं होती है, तो ये दिशाहीन ऊर्जा है, दिशाहीन अग्नि है। एनर्जी होना अच्छी बात है, बट एनर्जी विदाउट डायरेक्शन पूरी तरीके से यूजलेस होती है। तो यहाँ पर मेष राशि में सबसे ज़्यादा गतिशीलता होने के कारण इसके पास दिशाहीनता होती है, और यहाँ पे जो ऊर्जा का एक संचार है वो है तो बहुत अच्छी मात्रा में, पर ये दिशाहीन है, इस वजह से ये असंतुलित बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो दिखाई पड़ती है इसके गुणों में वो है अव्यवस्था, अनियंत्रण, अनुशासनहीनता और धैर्यहीनता। यानी कि अब क्योंकि आवेग बहुत ज़्यादा है, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो जल्दीबाजी का स्वभाव है, धैर्यहीनता का स्वभाव है, वो यहाँ दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज़ क्रोध को दिखाती है ये। व्यक्ति के भीतर उस जो आवेग है, जो व्यक्ति के भीतर एक क्रोध की भावना है, वो उसको ये नियंत्रित करती है, क्योंकि मंगल भी इसका कारक ग्रह बनता है। और जिद को दिखाती है, हठ को। हालांकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, स्टेमिना है, एनर्जी है, उसको भी ये पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है उसको दिखाती है। व्यक्ति के भीतर की जो दृढ़ संकल्प की शक्ति है और इच्छा शक्ति है उसको मेष राशि दिखाती है। बहुत ही गतिशील राशि है, जैसा हमने बात करी, बहुत ही फास्ट साइन है। तो ये इसमें जो है कोई भी चीज़ें जो होंगी, जो भी ग्रह इनमें बैठते हैं, अगर उनके लिए ये राशि अच्छी है तो उन ग्रहों में भी गतिशीलता दिखाई पड़ती है। तो कोई भी काम जल्दीबाजी में करना, तेज़ी से करना, तो धैर्यहीनता का स्वभाव यहाँ थोड़ा बढ़ने लगता है। पर ये भी कर्म कारक राशि है, एक्शन ओरिएंटेड साइन है, तो कर्म में अधिक विश्वास रखने वाली। पर इसमें एक नकारात्मक पक्ष जो दिखाई पड़ता है वो है अत्यधिक विश्वास, तो यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, या ईगो की समस्या। तो ये भी कुछ चीज़ें जो हैं वो नकारात्मक पक्ष की ओर जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि जब शनि मेष राशि में हो तो वो कैसे परिणाम देता है। देखिए, जो लोग भी ज्योतिष से थोड़ा बहुत अवगत हैं वो ये जानते हैं कि शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। शनि के लिए ये राशि अशुभ मानी जाती है, और इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि शनि जो है मंगल का परम शत्रु ग्रह है। नंबर एक पे शत्रु तो वो सूर्य का है, बट सेकंड पे मंगल का है। तो मंगल जो है, मंगल की ये राशि है और शनि इस राशि में असहज महसूस करता है। दूसरा, ये राशि पहले भाव की मूल राशि है और पहले भाव में शनि मरण कारक स्थिति में चला जाता है, तो ये दूसरा कारण है। और एक तीसरा कारण ये है जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि शनि इस राशि में क्यों असहज महसूस करता है, वो है इसकी जो गतिशीलता है, धैर्यहीनता है, और जो एक हमने बात करी कि अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार और ज़िद्दी या हठी स्वभाव, इसकी वजह से। इसके अतिरिक्त यहाँ पे शनि के जो गुण होते थे उनके ठीक विपरीत यहाँ पे इस राशि में गुण पाए जाते हैं। तो शनि जैसा कि सर्वाधिक वास्तविक ग्रह है, नियंत्रण को दिखाता है, व्यवस्था को दिखाता है, अनुशासन को दिखाता है, न्यायपालन को दिखाता है, धैर्य को दिखाता है और परिपक्वता को दिखाता है, मैच्योरिटी को। ये राशि ठीक विपरीत दिखाती है, अव्यवस्था, अनियंत्रण, अनुशासनहीनता, धैर्यहीनता और अपरिपक्वता। तो ये जो गुण हैं ये पूरी तरीके से शनि के विपरीत चले जाते हैं, जिसकी वजह से शनि इस राशि में नीच का हो जाता है। जबकि सिंह राशि में शनि नीच का नहीं माना गया है। हालांकि सिंह राशि भी शनि के लिए बहुत ही एक वल्नरेबल साइन माना जाता है, संवेदनशील राशि मानी जाती है, बट उसमें ये नीच का नहीं है,
जबकि सूर्य और शनि एक दूसरे के परम शत्रु हैं। नंबर एक पे अगर देखा जाए तो शनि का सबसे बड़ा शत्रु सूर्य है, मंगल नहीं, मंगल दूसरे नंबर पे आता है, पर फिर भी शनि जो है मंगल की राशि में नीच का होता है, सूर्य की राशि में नहीं। ऐसा इसी वजह से, क्योंकि जो मूलभूत तत्व हैं मेष राशि के, वो पूरी तरीके से शनि के भौतिक मौलिक गुणों के पूरी तरीके से विपरीत चले जाते हैं, और शनि यहाँ पर पूरी तरीके से असहज हो जाता है, इस वजह से बलहीनता आती है उसमें और वो नीच का माना जाता है। तो यहाँ पे जो ये राशि पूरी तरीके से अपोजिट है इन नेचर ऑफ क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ सैटर्न, इस वजह से वो नीच का होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे शनि कैसे परिणाम देगा। देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, दो संदर्भों की बात करेंगे केसेस की। पहला ये कि शनि जो है यहाँ पे अगर इस राशि में है और उसको मंगल से बल प्राप्ति है या उसका नीच भंग बन जा रहा है तो वो कैसे परिणाम देगा। दूसरा केस कि उसका नीच भंग नहीं बन रहा है, मंगल से उसको सपोर्ट नहीं है, और या अगर वो पीड़ित हो रहा है या मंगल पीड़ित हो रहा है, जैसी भी कंडीशन और खराबी की ओर चलती चली जा रही हो, उसके कैसे परिणाम होंगे। तो यहाँ पे हम दोनों केसेस को समझेंगे। और इस राशि में शनि जो है बहुत ही संवेदनशील स्थिति में होता है, मंगल से अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत अच्छे परिणाम भी देता है, अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत ही नकारात्मक परिणाम भी देने की पूरी काबिलियत उसके पास होती है। तो सबसे पहले केस जो लेंगे वो है कि शनि को यदि मंगल से बल प्राप्ति है या उसका नीच भंग बन रहा है तो कैसे जो है परिणाम दे पाएगा। तो यहाँ पे यदि शनि का नीच भंग बनता है, नीच भंग में जो है कैसे किस प्रकार का नीच भंग बन रहा है ये जरूर देखें, क्योंकि हर बार जो है नीच भंग 100% नहीं बनता। जिस ग्रह के ऊपर वो डिपेंडेंट है, नीच भंग अगर बन रहा है तो क्या मंगल की कंडीशन अच्छी है। इसीलिए यहाँ पे जब भी नीच भंग बनता है तो पहली कंडीशन ये जरूर देखें कि जो ग्रह नीच भंग बना रहा है मंगल या सूर्य में से, वो खुद कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। दूसरा, मंगल द्वारा यहाँ पे उसको बल प्राप्ति होनी ही चाहिए, भले ही उसका नीच भंग सूर्य से बन रहा हो, पर मंगल से अगर बल प्राप्ति नहीं है तो शनि अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये कि नीच भंग देखते हैं, अगर नीच भंग बन रहा है तो किस प्रकार का नीच भंग बन रहा है। दूसरा, मंगल की कंडीशन आपको ज़रूर देखनी है, उसके द्वारा बल प्राप्ति उसको मिलनी चाहिए, तभी जो है वो शुभ परिणाम देने में समर्थ रहेगा। पर यहाँ पे एक बात रहती है कि नीच भंग बने या मंगल से कितना भी अधिक मात्रा में बल प्राप्ति उसको मिले, ये विलम्ब संघर्ष और परिश्रम के बाद ही जो है अच्छे परिणाम देता है। तो देरी जरूर होगी ज़िंदगी में, संघर्ष की मात्रा होती है और परिश्रम, कठोर परिश्रम करना ही पड़ता है। फिर उसके अतिरिक्त तो कुंडली में अन्य योग क्या कह रहे हैं वो इस चीज़ को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, बट ये एक जनरल एक गुण है, परिणाम है जो देखने को मिलता है। तो शनि यहाँ पे अच्छे परिणाम देगा, पर विलंब जरूर होगा, संघर्ष जरूर होगा, परिश्रम के उपरांत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अच्छी चीज़ यहाँ ये है कि शनि अच्छे परिणाम देने में समर्थ है, वरना यहाँ पे अगर उसको सपोर्ट नहीं है तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा, उल्टा नकारात्मक परिणाम देता है जीवन में। तो अच्छी चीज़ यहाँ पे हमको ये देखनी है कि परिणाम तो अच्छे मिले, भले ही उनमें संघर्ष के बाद मिल रहे हैं, परिश्रम के बाद मिल रहे हैं या देरी से मिल रहे हैं, मिल तो अच्छे रहे हैं, मेन चीज़ ये है। तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक तो आएगा ही आएगा, बट पॉजिटिविटी ये है कि वो कायदे के परिणाम दे पाए। और इसके लिए अन्य योग जो है कुंडली में देखें, क्योंकि उनकी उनकी स्थिति से ये पता चलेगा कि संघर्ष की जो मात्रा है, परिश्रम की जो मात्रा है, उसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है या गिरावट हो रही है। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ है जो आपको देखना है कुंडली में कि शनि कैसे उसको शनि की स्थिति कैसी जाती है। अब यहाँ पे जो हमने पहला केस लिया, अगर ये स्थिति आती है कुंडली में तो इसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम ये होंगे कि यदि मंगल के द्वारा शनि को बल प्राप्त है, चंद्र को अवश्य देखिएगा, यहाँ पे चंद्र की स्थिति बहुत मायने रखती है, तो ये व्यक्ति को वास्तविक बनाता है, तार्किक बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, परिश्रमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति हम वर्कहोलिकनेस उनमें देता है कि काम के प्रति अत्यधिक समर्पण, तो कर्म में एक तो अधिक विश्वास होता है, दूसरा कार्य समर्पण जो है दिखाई पड़ता है, कर्तव्य निष्ठता दिखाई पड़ती है, प्रबल इच्छा शक्ति देता है। तो यहाँ पे शनि के जो गुण थे उसके विपरीत जा रहा है, यानी कि इच्छा शक्ति को व्यक्ति के बढ़ाएगा, दृढ़ता देगा कि किसी भी चीज़ को करना है तो उसको करना है, भले ही उसमें कभी उससे हार नहीं मानेंगे,
तो ये जो एक एटीट्यूड होता है कि नेवर बैक डाउन डेस्पाइट फेलियर्स, वो यहाँ पे शनि देता है व्यक्ति को, कि कितनी भी असफलताएं हो या असहजता हो, पर अगर कोई चीज़ ठाना है मन में तो उसको हासिल करके रहेंगे। तो ये जो एक प्रबल इच्छा शक्ति है, दृढ़ता है, एक संकल्प शक्ति है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में शनि देता है अगर मंगल से उसको बल प्राप्ति है। पर इसके लिए चंद्र को देखें, चंद्र हमारी मानसिकता है, नंबर एक पे वो है, अगर उससे सपोर्ट नहीं है तो ये स्थिति में गिरावट भी दिखाई पड़ेगी। अगली चीज़, पर ये यहाँ पे थोड़ा आलस भी रहता है, शारीरिक रूप से आलसी स्वभाव थोड़ा देगा, तो पर इतना भी नहीं देगा कि व्यक्ति कोई काम कर ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ये एक बात ज़रूर रहती कि थोड़ा अपने इस एक धीमी गति से काम करने की आदत होती है, चीज़ों को थोड़ा आराम से करने की आदत होती है, पर ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल ही लचर है व्यवस्था में, ये नहीं होगा। अगली चीज़, व्यक्ति को अनुशासनशील बनाता है, व्यवस्थित बनाता है, धैर्यशाली बनाता है, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बहुत अच्छी देता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट, जो मैंने कहा कि कभी हार नहीं माननी है भले ही कितनी भी संघर्षों का सामना करना पड़े, अटलता देता है स्वभाव में, एक बार जो ठाना तो उसको करेंगे, अडिगता देता है, डिसीजन एक बार लिया तो उसको फिर डगमगाना नहीं है कि ये कर लें या ये कर लें या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है, ये नहीं सोचते, हठी स्वभाव देता है, ज़िद्दी स्वभाव देता है, पर ये ज़िद जो है ये पॉजिटिव जाती है। अगर शनि से जो है इसको बल प्राप्ति है, मंगल से अगर शनि को बल प्राप्ति है तो यहाँ पे जो हठी स्वभाव है वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा कि छोटी छोटी चीज़ों में ज़िद्द मचा रहे हैं पर बाकी सब जगह काम खराब चल रहा है। यहाँ पे हठी स्वभाव होगा, इंटरनल जो एक पॉजिटिव एग्रेशन होता है वो व्यक्ति के भीतर देता है, मैच्योरिटी अच्छी देता है, परिपक्व स्वभाव, मैच्योर बिहेवियर, और दूसरा स्पष्टवादी व्यवहार देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर होता है, यानी कि चीज़ों को घुमा फिरा करके बोल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे लक्षण हैं, गुण हैं जो शनि यहाँ देता है अगर मंगल से उसको बल प्राप्ति हो, दूसरा या उसका अच्छे प्रकार का निज भंग बने, तो ये स्थिति बहुत मायने रखती है। और ये आप देख पाएंगे कि ये जो गुण है, ये जो लक्षण है, ये अच्छे शनि की निशानी है। तो मेष राशि के जो गुण हैं, कई एक ऐसे गुण भी हैं जिनको शनि बहुत सपोर्ट करता है, हाईली सपोर्टिव फॉर सर्टन, पर एट द सेम टाइम कुछ एक लक्षण ऐसे हैं जिसमें शनि बहुत असहज महसूस करता और ठीक उसके विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने पहले लक्षण देखे। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में ये कुछ केसेस में दिखाई पड़ेगा, हर केस में नहीं, बट क्योंकि ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के रूप में, कि यदि शुभ आध्यात्मिक योग कुंडली में बनते हैं किसी भी प्रकार के, मंगल अच्छी स्थिति में है, उस बल प्राप्ति देता है शनि को, तो ये वैराग्य क्रिया योग, कर्म योग और तंत्र के लिए अति शुभ माना जाता है। पर ये एक जनरल कंडीशन नहीं है, ये कम केसेस में दिखाई पड़ता है, कुछ एक केसेस में, हर केस में नहीं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अच्छे करियर फील्ड्स हैं जिनके लिए ये स्थिति शनि की बहुत अच्छी मानी जाती है, और इनमें सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी जितना शनि और मंगल मजबूत होंगे इस कुंडली में। तो यहाँ पे विज्ञान के लिए, अभियांत्रिकी यानी किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग के लिए, कोई भी इंजीनियरिंग हो सकती है, उसके लिए जो है ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है शनि की। वो दूसरे ग्रहों पर भी निर्भर करेगा कि किस प्रकार की इंजीनियरिंग हो सकती है, तो इन जनरल एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग और कोई भी काम जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा उद्योग हैं, चाहे लघु हो, मध्यम हो या भारी उद्योग हो, किसी भी प्रकार के उद्योग इसके अंतर्गत आएंगे, उत्पादन इसके अंतर्गत आएगा, ऊर्जा का क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर में हम काम करने के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, रिसर्च के लिए, शोध के लिए बहुत शुभ होता है, रक्षा सेवाएं हम इससे देख सकते हैं और पुलिस की सेवा इसके देख सकते हैं, न्याय व्यवस्था के लिए, वकालत के लिए शुभ स्थिति होती है, चिकित्सा के लिए खास तौर से अगर हम देखें तो सर्जन से इससे देखे जा सकते हैं, या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट हो, अगर टोटली ये जिम्मेदार है आपके करियर को लेकर के और अच्छे अन्य योग बनते हैं, तो चिकित्सा में भी कोई ऐसा प्रोफेशन, ऐसा फील्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी से डील करता हुआ हो। इसके अलावा कृषि का जो क्षेत्र है, रियल इस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, खेल जगत है, कोई भी ऐसा काम जिसमें शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा लगती हो, शारीरिक परिश्रम से युक्त कार्य कोई हो, वो इससे देखा जा सकता है।
इससे हम दार्शनिक देख सकते हैं, योगी और सन्यासियों के लिए भी ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। तो ये वो कई सारे क्षेत्र हैं जिनके लिए शनि अच्छा होता है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस ये है कि यदि शनि का नीच भंग नहीं बन रहा है और मंगल चंद्र लग्न के स्वामी जो है उसको एट द सेम टाइम कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, मेनली मंगल उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई बल प्राप्ति उससे नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को यहाँ पे बहुत बारीकी से समझिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो ये कि शनि का मान लीजिए कई केसेस ऐसे भी होंगे जिनमें कि शनि का नीच भंग नहीं बन रहा है पर मंगल से उसको बल प्राप्ति मिल रही है। अगर मंगल से बल प्राप्ति है तो उसके अच्छे लक्षण दिखाई पड़ेंगे, हाँ वहाँ पे संघर्ष की मात्रा बढ़ जरूर जाएगी, देरी की मात्रा बढ़ जरूर जाएगी, पर वो अच्छे लक्षण अच्छे परिणाम देने की उसके अंदर काबिलियत ज़रूर होगी अगर उसको मंगल से बल प्राप्ति है। हम यहाँ जो दूसरे केस की बात कर रहे हैं वो ये है कि यदि शनि का नीच भंग नहीं है और एट द सेम टाइम उसको मंगल से कोई बल प्राप्ति नहीं है, मंगल खुद कमज़ोर हो जा रहा है, पीड़ित हो जा रहा है, या चंद्रमा और लग्न के स्वामी भी साथ साथ अगर बलहीन हो जा रहे हैं या पीड़ित हो जा रहे हैं, तो शनि के पास कोई भी बल नहीं बचेगा, वो पूर्ण रूपेण बलहीन होगा। और यदि कुंडली में मान लीजिए शनि खराब भावों का स्वामी ग्रह बनता है तो वो और ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देने के लिए भी काबिल हो जाएगा। तो जैसे कि मार्केश भावों का स्वामी बन रहा है, छठे आठवें ग्यारहवें बारहवें भावों का स्वामी बन रहा है, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा शनि को नकारात्मक बना डालेगी, तो और निगेटिव परिणाम देने के लिए काबिल हो जाएगा, कभी भी जीवन में अच्छे परिणाम उससे नहीं हासिल हो पाएंगे। तो ये यदि ये दूसरा प्रकार का जो केस है यदि ये होता है तो इसमें जो लक्षण है वो बहुत ही हद तक पूरे तरीके से विपरीत होते हैं और इनमें काफ़ी हद तक जो है परिणामों में नकारात्मकता और भारी मात्रा में गिरावट दिखाई पड़ती है। पर इसके लिए पूरी कुंडली में अन्य योगों को देखें, क्या ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो उसको कोई बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा ग्रह है या नहीं है, दूसरा चंद्र और लग्न के स्वामी अच्छे की स्थिति कैसी है वो बहुत मायने रखती है। तो यदि ये दूसरी स्थिति ऐसी बनती है तो कैसे परिणाम होंगे उनको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ वो ये कि जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है, परिश्रम और विलंब की जो मात्रा है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है, आलस्य को बहुत हद तक बढ़ाता है, ये अत्यधिक आलस बढ़ाता है, खासतौर से यदि सूर्य भी एट द सेम टाइम कमज़ोर पड़ गया तो ये स्थिति और भी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। किसी काम में मन नहीं लगता, हमेशा आलस भरा रहता है, कमज़ोर इच्छा शक्ति होती है, शारीरिक ऊर्जा बहुत कम होती है, काम टालने की बहुत जो है ख़राब आदत होती है, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको कहते हैं, आज का काम कल कर लें, कल का परसों कर लें, ये जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, अवास्तविक बनाता है व्यक्ति को। शनि सर्वाधिक वास्तविकता को दिखाता था, क्रूड प्रैक्टिकलिटी वो यहाँ पे पूरी तरीके से हट जाती है, यानी अवास्तविक बनाएगा, अनरियलिस्टिक एटीट्यूड दे सकता है। दूसरा, बिना कर्म के जो है इच्छा पूर्ति की कामना व्यक्ति के भीतर बढ़ती है कि काम ना करना पड़े पर हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएँ बगैर काम किए, ये खराब शनि की निशानी है। दूसरा, धैर्यहीनता बढ़ाता है कि व्यक्ति के भीतर धैर्य नहीं है, एक पेशेंट एटीट्यूड जो चाहिए वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। अनुशासनहीन अव्यवस्थित जीवन शैली ये प्रदान करता है, अपरिपक्व बनाता है, इमेच्योरिटी स्वभाव में बहुत हद तक बढ़ता है, अपनी गलतियों से जो है व्यक्ति सीखते नहीं है, यानी कि जीवन में अगर कोई घटनाओं से उनको जो है कोई एक लाइफ लेसन लेना हो तो वो उससे सीख नहीं पाते, इमेच्योरिटी इसी वजह से बढ़ती चली जाती है, अपरिपक्व जो व्यवहार है वो बढ़ता रहता है। और ये एक तरीके से पिता है या भाई है, इनसे जो है संबंध खराब हो सकते हैं। षडरिपु की जो मात्रा है बहुत बढ़ती है, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह प्रकार के जो विकार है इनकी मात्रा अत्यधिक शरीर में बढ़ेगी, और बाकी अन्य योगों के ऊपर भी निर्भर करेगा कि किस प्रकार के विकार की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये जो है काफ़ी हद तक उनसे जुड़े जो दुर्गुण हैं वो व्यक्ति के शरीर में और उसके व्यक्तित्व में बढ़ा देता है बहुत अधिक मात्रा में। तो ये बुद्धि को और मानसिकता को काफ़ी हद तक प्रदूषित और भ्रष्ट भी करता है। इसके अतिरिक्त कुछ योग अगर अन्य कुंडली में बनते हैं तो ये कर्ज की समस्या है, उधारी की, जो कभी चुकता ना हो आसानी से, उधार लेते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, मुकदमे हैं कि
कोई ना कोई कोर्ट केसेस लगे पड़े हैं या हो रहे हैं, वो ये दिखा सकता है। असाध्य रोग है, इनक्यूरेबल डिजीजेज, या किसी भी प्रकार के नशे की लत है, वो इससे देखी जा सकती है। पर इस सबके लिए आपको कुंडली में पूरे योग देखने पड़ेंगे। सिर्फ एक प्लेसमेंट पे जाकर के मत सोचिएगा कि ये सारी चीज़ें एक साथ देगा, नहीं। इसके अंदर ये काबिलियत है ऐसे प्रकार के परिणाम देने की, पर दूसरे योग किस प्रकार के बनते हैं उन पर ये बहुत हद तक निर्भर करता है। तो इसको उस प्रकार से देखें, तो किसी भी कंक्लूजन पे डायरेक्टली जंप ना करें, ये मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य है। दूसरा, और डिटेल में जो है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है था पहले, कि कमज़ोर शनि या बलि या पीड़ित शनि जो अगर होते हैं, होता है कुंडली में, तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। यदि आप ज्योतिष नहीं भी समझते हैं तो भी उस वीडियो को देखें, उसमें लक्षणों की बात करी गई है, परिणामों की बात करी गई है, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में उपाय भी बताए गए हैं जो कि वास्तविक भी हैं और ज्योतिषीय भी हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीक सैटर्न एंड इट्स रेमेडीज़ के नाम से। तो आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा की कि शनि जब नीच राशि में होता है यानी मेष राशि में हो, तो वो कैसे परिणाम देता है, और उसके जो है उसके पास दोनों काबिलियत होती है कि वो बहुत अच्छे कोटि के परिणाम भी दे पाता है, और एट द सेम टाइम बहुत ही नकारात्मक परिणाम भी देने की उसके पास पूरी क्षमता होती है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे कि शनि के परिणाम मेष राशि में किस प्रकार के रहते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।